हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बैट्समैन और फॉर्मर कैप्टन श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी को लेकर क्या बयान दिया है, उनका ऋषभ पंत की कप्तानी के बारे में क्या कुछ कहना है और आखिर उनसे कप्तानी छीन ली गई तो इसके बारे में उनका क्या स्टेटमेंट आया, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2021 का सेकंड फेज चल रहा है, इसमें दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर पहुंच गई है नंबर वन पर, क्योंकि 9 मुकाबले उन्होंने खेले, 7 में जीत हासिल कर ली और सिर्फ 2 मुकाबले गंवाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उनका मुकाबला था और सनराइजर्स हैदराबाद को सिर्फ 134 रन ही बनाने दिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने और 8 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस मैच में श्रेयस अय्यर ने 47 रनों की पारी खेली दोस्तों, 2 चौके भी लगाए, 2 छक्के भी लगाए और वो नॉट आउट रहे। ऋषभ पंत जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं, उन्होंने 35 रन बनाए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जब 2020 में आईपीएल का सीजन यूएई में आयोजित हुआ था तब श्रेयस अय्यर उसके कप्तान थे और उनकी कप्तानी में ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो थी वो फाइनल में पहुंची थी। लेकिन 2021 का जब सीजन शुरू हुआ तो श्रेयस अय्यर के कंधे में चोट लग गई थी जिसकी वजह से वो आईपीएल के सीजन से बाहर हो गए थे और ऋषभ पंत को कप्तानी दे दी गई। ऋषभ पंत की कप्तानी में भी डीसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर ये टीम रही और अब सेकंड फेज की बात की जाए तो वहां पे भी इस टीम ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है और बहुत मुमकिन है कि ऋषभ पंत की कप्तानी में ये टीम जो है वो प्लेऑफ में भी अपनी जगह बनाएगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि श्रेयस अय्यर जो कि 2020 में कप्तान थे, 2021 में ऋषभ पंत को कप्तान बनाया गया, तो क्या सेकंड फेज में श्रेयस अय्यर के पास कप्तानी जा सकती थी? इसके बारे में श्रेयस अय्यर का ये कहना है कि अभी वो जब पहले कप्तान थे तब उनका अप्रोच अलग था, अब वो कप्तान नहीं है तो उनका अप्रोच अलग है। फ्रेंचाइजी को ये लगा होगा कि ऋषभ पंत ने जिस तरीके से कंटिन्यू किया है उनको ही आगे कप्तानी देनी चाहिए, यानी उनका ये कहना था कि फर्स्ट फेज में जो ऋषभ पंत से कप्तानी की गई थी, करवाई गई थी, तो वैसे ही उनको लग रहा था कि सेकंड फेज में भी ऋषभ पंत से ही कंटिन्यू कराना फ्रेंचाइजी को सही लगा होगा और वो फ्रेंचाइजी के निर्णय को जो है वो बैक करते हैं, उस निर्णय को सही मानते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि उनके अंदर अब रनों को बनाने की भूख जो है वो और बढ़ गई है। 47 रनों की पारी उन्होंने जरूर खेली लेकिन वो अपनी पारी से संतुष्ट नहीं है, वो आगे भी ऐसी बड़ी पारियां खेलना चाहते हैं क्योंकि इंजुरी के बाद काफी टाइम के बाद श्रेयस अय्यर ने वापसी की है। आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि टी20 वर्ल्ड कप की टीम में भी उनको जगह नहीं दी गई है बल्कि एज ए रिजर्व उनको रखा गया है, तो ये भी आप मान सकते हैं कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली थी, इसकी वजह से वो 15 में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने पहले मैच में ही धमाका कर दिया है, 47 रनों की उन्होंने पारी खेली, नॉट आउट भी रहे वो, लेकिन कप्तानी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो फ्रेंचाइजी ने फैसला लिया है वो उस फैसले के साथ है, क्योंकि ऋषभ पंत फर्स्ट फेज में कप्तानी कर रहे थे इसलिए सेकंड फेज में उनसे कंटिन्यू करवाई गई, जो कि फ्रेंचाइजी का फैसला है और वो उससे सहमत है। और रनों को लेकर उन्होंने कह ही दिया है कि उनकी भूख अब काफ़ी बढ़ गई है दोस्तों और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में श्रेयस अय्यर के बल्ले से कुछ और बड़ी पारियां हमको देखने को मिले। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी इस पे क्या राय है, फटाफट कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।